लगातार दो दिनों की मूसलाधार बारिश और पीटीपीएस डैम का फाटक खुलने के बाद दामोदर नदी उफान पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रामगढ़ शहर के सैकड़ों लोग उफान का मनोरम दृश्य को देखने के लिए दामोदर पुल पर सुबह से ही देखे जा रहे हैं। अगर बात करें रजरप्पा मंदिर की, तो दो दिनों की बारिश और डैम का फाटक खुलने के बाद दामोदर और भैरवी नदी भी उफान पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रजरप्पा के छिलका पुल और मार्केट कॉम्प्लेक्स सहित मंदिर का कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया है और कई दुकानें भी डूब गई हैं। दुकानदार अपने अपने दुकानों से सामान हटाने में जुटे हैं। दो दिनों के बारिश के बाद लोगों का जनजीवन काफ़ी ठहर सा गया है और लोग अपने घरों में सिमटे हुए हैं। पतरातू डैम की बात करें तो अभी तक 3 फाटक खोले गए हैं, वहीं एक और फाटक खोलने की कवायद चल रही है, जिससे पानी का ओवरफ्लो कम किया जा सके। डैम का फाटक खोलने से रामगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। रामगढ़ दामोदर नदी के समीप खटाल में बांधे गए गाय और भैंसों को भी नदी तट से हटाकर रामगढ़ थाना के बगल में रामेश्वर मंदिर के समीप अस्थायी तौर पर रखा गया है, जिससे इन मवेशियों को भी कोई नुकसान न पहुंचे। परेशानियां है कि अचानक बाढ़ बढ़ने से देख रहे हैं, जितना सामान हम लोग का बहने कगार पे है और सामान छत पर छत के ऊपर उठा रहे हैं, कुछ तो बह गया कुछ बाकी है, उसी को बचाने के बहुत समस्या का समाधान करते हुए सब यही उठा रहे हैं, सामान रख दे रहे हैं। भैरवी नदी का जलाशय धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग अपना दुकान का सारा सामान भर के एक सुरक्षित जगह पे रख दिए हैं और पानी दो दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण पानी धीरे धीरे भैरवी नदी का पूरा पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग का दुकान पर देखिए, इधर भी कैमरा दिखाइए, मैं दुकान तरफ से पूरा पानी भर गया, हम लोग जितना सामान होता है सारा सामान उठा के सुरक्षित जगह पर रख दिए हैं और हम लोग अपना घर की ओर रवाना हो जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दुर्वेज और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। लगातार दो दिनों की बारिश और पतरातू स्थित पीटीपीएस का 3 फाटक खुलने के बाद दामोदर नदी काफ़ी उफान में देखने को मिल रही है। शायद इसी का वजह है कि लोग यहाँ पर इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में रामगढ़ के लोग दामोदर पुल पर भी देखे जा रहे हैं। दामोदर नदी उफान की वजह से अगर बात करें रजरप्पा मंदिर की, तो वहाँ दामोदर और भैरवी नदी में भी इस दो दिनों की बारिश के बाद काफ़ी उफान है। वहाँ पर लोग जो वो पुल है वो काफ़ी पुल के ऊपर तक पानी आ गया है और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। ऐसे में जो रजरप्पा मंदिर का जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है या फिर अन्य मंदिर परिसर का कुछ जो इलाका है वो इस समय जलमग्न हो चुका है और ये दो दिनों के बारिश के बाद लोगों का जनजीवन काफ़ी बैठ चुका है। लोग बिल्कुल अपने अपने घरों में सिमट चुके हैं। आप एक बार यहाँ तस्वीरों के नज़ारा देखें, यह दामोदर रामगढ़ के दामोदर नदी का यह दृश्य है, जहाँ पर यह नदी काफ़ी उफान में है और भारी संख्या में रामगढ़ के लोग इस नदी को देखने के लिए, इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रामगढ़ से लगातार .in के लिए मैं दुर्वेज। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।